कहते हो यूएपीए, तो यूएपीए तो उन पे लगता है जो देशद्रोही होते हैं। हम देशद्रोही नहीं है। अब आप देखो कि देश की सुरक्षा को खतरे में कौन डालता है, हम डाल रहे हैं या कोई और डाल रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये इंसान देश की सुरक्षा को खतरे में कैसे डाल रहा है, ये आप देखिए कि ये देश की सुरक्षा को हम खतरे में डाल रहे हैं या कोई और खतरे में डाल रहा है, आप खुद डिसाइड करो। तो भाई दोस्तों, रा पूछे, आईबी पूछे, एटीएस पूछे, ये कहना ये कहना ये कहना, एक पाकिस्तानी महिला को जो भारत में अवैध रूप से घुसी है, तो ये बताओ कि यूएपीए हम भारत के लोगों पे लगना चाहिए या इस इंसान पे लगना चाहिए जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक पाकिस्तानी महिला को एटीएस पूछे, तो ये कहना है और ये कहना है पशुपतिनाथ में शादी हुई थी, उस मंदिर में हुई थी, इसमें नहीं हुई थी, होटल में की थी, वहां फोटो खींचे थे। तो अब ये फैसला देश की जनता आप करे कि यूएपीए जैसे कानून जो आपराधिक जो आतंकवादियों से संबंधित कानून है, देश की एंड की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले कानून है, यूएपीए कोटा वो हम पे बनते हैं या इस बंदे पर बनते हैं, आपके ऊपर फैसला है। ये फैसला भारत की जनता के ऊपर फैसला है, आपने देख लिया वीडियो में किसके ऊपर है फैसला, ये भारत की जनता के ऊपर फैसला है, भारत की जनता इस बात का फैसला करे। चलो अब आते हैं दूसरी बात पर। आपके याद है कि बाबा राम रहीम को पंचकुला से किसी मामले में, रेप के मामले में और एक हत्या के मामले में सजा हुई थी, और जब सजा हुई थी तो हनीप्रीत को भी पुलिस ने काफी टाइम के बाद अरेस्ट करके वो जेल में डाल दिया था। तो कुछ अखबार टीवी चैनल हनीप्रीत को बाबा राम रहीम की के बारे में गलत गलत प्रचार और प्रसार कर रहे थे। तो उस वक्त हनीप्रीत की मां, हनीप्रीत और उनके भैया और उनके परिवार के सदस्य मेरे पास पानीपत में आए थे, ये मैं आज 5-6 साल के बाद बता रहा हूं माध्यम से, और कई चैनल भी बदनाम उनको बदनाम कर रहे थे। तो उसकी मां ने मुझे वकील अपॉइंट किया, तो मैं तो उनका आधिकारिक रूप से वकील था, मुझे वकील अपॉइंट किया। तो जब मैं हनीप्रीत को पेश करने लगे पंचकुला कोर्ट में, जो सीजीएम कोर्ट है वहां पर उसको पेश करने लगे हनीप्रीत को, और जो बाबा राम रहीम की टीम के जो एडवोकेट्स थे वो डेरा सच्चा सौदा के वो लोग भी एडवोकेट्स वहां पर पंचकुला कोर्ट में सीजीएम कोर्ट में मौजूद थे, और मैं भी कोर्ट में मौजूद था, और जो वहां पर जज साहब थे वो जज साहब पानीपत थे। तो वहां तो जज साहब सिंह जी वहां पर हाईलाइट केस देख के वहां पंचकुला कोर्ट में पहुंच गए और कहने लगे कि मैं हनीप्रीत का वकील हूं। तो जो हनीप्रीत के परिवार के लोग खड़े थे और जो बाबा राम रहीम की टीम के वकील जो पहले से मौजूद थे और मैं जो मौजूद था कोर्ट सीजीएम के अंदर पंचकुला में, तो वो कहने लगे जी हमने डॉक्टर एपी सिंह को कोई वकील अपॉइंट नहीं किया। तो ये वहां पर अड़ने लगे जी मैं हनीप्रीत का वकील हूं। तो जब हनीप्रीत वहां कोर्ट में पेश हुई तो जज साहब ने हनीप्रीत से पूछा के डॉक्टर एपी सिंह क्या आपके वकील हैं? तो हनीप्रीत ने कहा कि जी मैं तो इनको जानती भी नहीं कौन है ये, और ना ही ये मेरे वकील हैं, मैं खुद मौजूद था वहां और थे, मैं आपको वो सबूत निकाल सकता हूं और वो बाइट निकाल के सुना सकता हूं
जो अपने आप को ये हनीप्रीत का वकील बता रहे थे। और वो कहावत सुनिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का काम कर रहे थे। तो जो कोर्ट में कम से कम भी 100-150 और अपने आप को उस हाईलाइट मामले में अपने आप को जबरदस्ती घुसा के वकील अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं, और यही मामला सीमा के साथ भी इन्होंने किया है। अब इनकी नाक का मसला हो गया है, इनके मुंह में चुकंदर डली हुई है। अगर ये चुकंदर को उस केस सीमा के केस को छोड़ते हैं तो नामर्द, जो चुकंदर एक कहावत है ना कि जिसके मुंह में चुकंदर फंस जाए, अगर खाए तो कोड़ी और अगर उसको बाहर निकाले तो नामर्द। तो अब ये एपी सिंह की हालत ये हो गई है कि इस केस को छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ेंगे लोग कहेंगे अपनी बहन को छोड़ दिया, टीवी में ये दिखा रहा था, वो अब छोड़ भी नहीं सकते और जो है इस केस को लड़ भी नहीं सकते। तो ये पोजीशन हो गई है इसकी। अब रहा सवाल कि भाई जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी इनसे कि आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की, आप अपनी आराम से वकालत करिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता रोज रोज हम लाइव आकर के आपकी हर बात का जवाब दें, आप लोगों को गुमराह करें और फिर हम उसका जवाब दें, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। देखो आप वकील हो, आज भी मैं कह रहा हूं ये टुच्ची हरकतें छोड़ दो, ये घिनौनी हरकतें छोड़ दो, इनमें कुछ भी आप नहीं निकाल पाओगे, कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। मां सिवा बेइज्जती के, मां सिवा जिल्लत के, मां सिवा रुसवाई के आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी। निर्भया कांड में देख लियो आपके साथ क्या हुआ, पंचकुला हनीप्रीत केस में आपके साथ कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, अब सीमा मामले में भी आपको कितनी बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ऐसा ना करो, अभी भी टाइम है, आप अपने आप को सुधार सकते हो। अब रहा सवाल हमारे ऊपर कार्रवाई का, तो ये गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट भी जानती है कि यूएपीए क्या चीज है, पोटा क्या चीज है, ये टोटल जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। और ये आपने इनकी वीडियो भी देख ली कि किस प्रकार बंद कमरे के अंदर, किस प्रकार बंद कमरे के अंदर ये गुमराह कर रहा है सीमा को, कि आई भी पूछे तो ये कहना, वो सब आपने देख लिया, तो आप खुद समझदार हो। अब रहा सवाल सीमा का, तो सीमा 2 दिन से ठीक चल रही है, वो हमारे पे पर्सनल अटैक नहीं कर रही, लेकिन वो कहती थी कि 4 साल पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो आपने देखा होगा दोस्तों, कि कुछ दिन पहले वो लाइव आई तो उसने कहा कि मेरा बुरखा पकड़ के खुद जुबान पे आ जाती है। बुरखा कौन ओढ़ता है भाई, कोई भारत के अंदर कोई सनातनी बहन को आपने बुरखा ओढ़ते हुए देखा है क्या, बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसमें कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, क्या भारत में कोई सनातनी बहन बुरखा ओढ़ती है क्या भाई, जवाब दे ना मेरे को, लिख के जवाब दो, कोई बुरखा पहनती है क्या, आप मुझे जवाब तो दो कमेंट में, नहीं पहनती ना, कोई भी सनातनी बहन भारत में बुरखा नहीं पहनेगी। और वो तो वो पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है, वहां क्यों बुरखा पहनेगी, तो बुरखा तो वही पहनेगी ना जो मुसलमान होगी, तो बुरखा पहन के जाती थी, इसका मतलब तू मुसलमान थी। और एक चीज और दिखा दूं, इसने बच्चों के बारे में भी कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो वहीं पर मुसलमान हो गए थे, ऐसा क्यों कहा, इसका कारण क्या है, मैं बता देता हूं, इसका कारण यह है कि जब मैंने एपी सिंह के खिलाफ बल्लभगढ़ में पुलिस में प्रोसीडिंग शुरू कर दी, कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू कर दी, जो बच्चों का धर्म परिवर्तन एपी सिंह ने कराया, गुलाम हैदर के 4 बच्चों का जो धर्म परिवर्तन कराया नाबालिग बच्चों का, उसमें एपी सिंह फंस गया पूरी तरीके से। अपने आप को बचाने के लिए एपी सिंह ने सीमा को नई स्क्रिप्ट लिख के दी कि तू ये बोल कि मैं भारत में सनातनी नहीं बनी, मैं तो पाकिस्तान से ही चेंज करके आई हूं, और बच्चों का मैंने यहां धर्म परिवर्तन डॉक्टर एपी सिंह ने नहीं कराया, ये भी पाकिस्तान में धर्म चेंज करके आए हैं। ये डॉक्टर एपी सिंह ने अपने गले से फंदा निकाल के सीमा के ऊपर डाल दिया, सचिन के ऊपर डाल दिया। अब इसकी हकीकत देखो, ये कहती है मैं पाकिस्तान में मेरे बच्चे वो हो गए थे, क्या कहते हैं, हिंदू बन गए थे। अब ये इसकी बेटी गुलाम हैदर की बेटी, पाकिस्तान में देखो जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो कपड़ा बिछाते हैं,
और कपड़े को बोलते हैं मुसल्ला, जिसपे नमाज पढ़ते हैं, और जो एक तस्बीह होती है माला, एक मिनट मैं अभी आपको दिखाता हूं क्या माला होती है। जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद ये माला होती है माला। इस माला को जैसे हिंदू भाई जपते हैं, ऐसे ही मुसलमान भी जपते हैं, ऐसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान के घर में आपको मिलेगी ये माला, और हर हिंदू भाई के घर में भी मिलेगी जो वो पढ़ते हैं। इसको मणिया भी कहा जाता है, रुद्राक्ष की भी माला होती है, मुसलमानों में इसको तस्बीह कहा जाता है। तो गुलाम हैदर की बेटी नमाज पढ़ रही है, और नमाज पढ़ने के बाद वो नमाज पढ़ने के बाद वो बेटी ये तस्बीह पढ़ रही है। ये देखो, ये बेटी नमाज पढ़ रही है, ये देखो।